हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू जैर कमर्शियल नव टूरे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होता क्या है इंसान का वो काम जो वो करता है पैसा कमाने के लिए उसी को कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी सो वैन यू टॉक ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जब एक इंसान कोई काम करता है पैसा कमाने के लिए उसी को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है सो ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी वर्थ और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो काम जो एक इंसान करता है पैसों के बदले या पैसों के बदले कुछ और ठीक है ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनी इज़ वर्थ और कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मैं एक टीचर हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है और मैं कलेक्ट करता हूँ फी क्यों बिकॉज मैं परफॉर्म करता हूँ ये पैसा कमाने के लिए सो इट्स दिस एक्टिविटी इज़ वट यू कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी ठीक है वहाँ पर कारपेंटर है वो काम करता है उसे पैसा देते हैं तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी एक बिजनेसमैन बिज़नेस करता है क्यों करता है पैसा कमाने के लिए और उस काम को कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी तो इन सिंपल वर्ड्स इंसान का वो काम जो वो करता है पैसा कमाने के लिए उसी को कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज फॉर मनी और मनीज़ वर्क और कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं ये एक ऐसा काम होता है जो एक इंसान करता है ज़िंदा रहने के लिए इकनॉमिक एक्टिविटीज़ और दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड ऑन लाइवलीड अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे पढ़ाना है बिकॉज इसके अलावा तो मुझे कुछ आता नहीं ठीक है तो इसी को कहते हैं इकनॉमिक एक्टिविटी ये वो काम होता है जो एक इंसान करता है ज़िंदा रहने के लिए ठीक है तो अगर इसकी एग्ज़ाम्पल्स हम लेंगे सो वी कैन से दैट फॉर एग्ज़ाम्पल ए टीचर टी सकूल अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ाएगा तो वहाँ से वो फी uh, सैलरी पकड़ता है सो दैट सैलरी उसके लिए वो बन जाता है रेमुनरेशन और उस काम को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी सो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट जो काम एक इंसान करता है पैसा कमाने के लिए तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है उसी को कहते हैं वो भी वो एक्टिविटी भी क्या है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ए शॉपकीपर सेल्स गुड्स इन ए शॉप अगर एक शॉपकीपर गुड्स बेचता है तो वो कौन सा काम है वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है सो इफ यी रिवाइज दिस दिस टर्म सो व्हाट द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ ह्यूमन एक्टिविटी विच आर परफॉर्म इन एक्सचेंज फॉर मनी और मैनी स्वर्थ That's what you call economic activity, or it's having another definition. In other words, economic activities are those activities which are performed to earn livelihood. And its mm -hmm. example, is, a teacher school mein padata ek worker factory mein even It's also the economic activity. Okay. So now, on the contrary, there is another term, non-economic activity. इंसान कुछ ऐसा काम भी करता है जो पैसे के लिए वो नहीं करता फॉर एग्ज़ाम्पल सो दिस इज़ द मंथ ऑफ रमदान एंड वी ऑफ अ ठीक है जब एक इंसान नमाज पढ़ता है या जब वो मस्जिद में जाता है वो कौन सा काम होता है या वो किसी की मदद करता है ठीक है सो दैट्स वट यू कॉल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो वो काम जो इंसान करता है पैसे कमाने के लिए नहीं

जब तक कि आप ठीक ना हो जाओ सो वो कौन सा काम होता है तो वो आपकी माँ के लिए एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उसने वो काम किया आउट ऑफ लव या आ, रास्ते में कोई बूढ़ा चल रहा है आप उसकी मदद कर रहे हो रोड क्रॉस करने में तो आपने ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं तो नहीं ना किया तो दिस वॉट यू कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंसान क्यों करता है इन अदर वर्ड्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव सिम्पैथी सेंटिमेंट्स पैट्रियाटिज़म ये वो काम करता है जो इंसान करता है मोहब्बत में सिम्पैथी जब किसी की होती है या सेंटिमेंट्स या पैट्रियाटिज़म या वतन की मोहब्बत में आपकी मम्मा ठीक है शी लवस शी लवस फी यू ठीक है उससे उस काम को क्या कहते हैं बेटा उसी काम को कहते हैं नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी सो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत इजी सी टर्म है इकोनॉमिक एक्टिविटी वो काम होता है जो एक इंसान कमाता है पैसा कमाने के लिए और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो एक इंसान पैसा कमाने के लिए नहीं करता है बट क्यों करता है और दो जो एक्टिविटीज आर परफॉर्म आउट ऑफ लव सिंपैथी सेंटिमेंट्स एंड पैथ्रियाज़म ठीक है एंड दीज एक्टिविटीज़ हम इसलिए करते हैं टू हैव सेल्फ सेटिसफेक्शन अगर मैंने किसी की मदद करी तो आई माइट हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन ठीक है इफ़ आई केयर फॉर माई फैमिली आई एम हैविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन ठीक है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं पैसा कमाने के लिए और ये काम हम करते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ठीक है ओके अगर एक टीचर क्लास में पढ़ाएगा तो उसे कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वही टीचर अपने बच्चे को पढ़ाएगा घर में तो दैट इस वट यू कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कन्फ्यूज या अल्टरली फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाता हूँ मैं पूरे क्लास को पढ़ाता हूँ ये सारा काम जो है मैं फ़ी पकड़ता हूँ इनसे तो दिस इज़ वट यू कॉल्ड इकनॉमिक एक्टिविटी अब यही लेक्चर मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ उससे मैं थोड़ी पैसे लूँगा तो उस काम को कहेंगे नॉन इकनॉमिक एक्टिविटी लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेफ़ है वो एक रेस्ट्रा में काम कर रहा है वहाँ पर उसकी सैलरी है थर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड और वट एवर ठीक है अब उसमें वो डिशेस बना रहा है रेस्टोरेंट में और वहाँ पे वो पैसा पकड़ रहा है तो उस काम को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी अब वही शेफ घर में कोई डिश बना रहा है अपनी फैमिली के लिए ठीक है तो उस काम को कहेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सिंपल इफ अ टीचर टीस इन अ क्लास इट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर वही टीचर घर में पढ़ाएगा अपने बच्चे को ठीक है तो उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी या देर कम्स अनदर थर्म जब एक इंसान रेगुलरली कोई काम करता है जब एक इंसान रेगुलरली कोई काम करता है तो उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन सो ऑक्यपेशन जब एक इंसान रेगुलरली एंगेज होता है किसी भी वैन ए पर्सन रेगुलरली एंगेज इन द सेम इकोनॉमिक एक्टिविटी इट बिकम्स हिज और हर ऑक्युपेशन जब एक इंसान कंटिन्यूसली कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उसका ऑक्यूपेशन बन जाता है फॉर एग्जाम्पल एक टीचर कंटिनली बिजी रहता है टीचिंग से तो वो उसका ऑक्यूपेशन बन जाता है एक बिजनेस मैन कंटिन्यूसली बिजी रहता है अपने बिजनेस से तो बिजनस इसका ऑक्यूपेशन बन जाता है एक एम्प्लॉय कंटिन्यूसली Uh, he is an employee who is busy hai with the employment. So, employment is an uska occupation. And now, from this, we can say that now, occupation is of three types. When you talk of occupation, it's of three types business, profession. And employment, ya to business sakta hai, ya to profession sakta hai, ya to employment. Ek insan busy sakta hai business se, ya sakta hai profession se, ya hai employment se. So if we if we humne so we uh, we learned about what we have learned. We have learned about economic activity and we have learned about non-economic activity. So what the economic activity is? Human activity which are performed in exchange for money or money's worth are called economic activity. Or in other words, uh, economic activities are those activities which are performed on livelihood. And, and I gave you certain examples at each. In school, a worker works in a factory, or a shopkeeper sells goods in his shop. And on the contrary, there's another term that's what you call non economic activity. Non economic activity. Non itself says, I'm not an economic activity. It means I'm not, this activity is not performed for, uh, for getting money. Non economic activities are those activities which are not performed in exchange for money or money's worth. So, why we perform these? These activities are performed out of love, sympathy, sentiments, patriotism, and the like. These activities are performed to have self-satisfaction and after that I told you if a teacher teaches in a class it's called economic activity whereas if the same teacher teaches son at home it is non-economic activity. And after that we went for occupation when a person is regularly engaged in the same economic activity it becomes his or her occupation. Now these occupations are three types. The first one is business, second one is profession and the third one is employment.